इफ बाइंग इज नॉट ओनिंग देन पायरेसी इज नॉट स्टीलिंग। हेलो एवरीवन, इट्स नॉट सो चैटी हियर एंड मेरे को सुनने में आ रहा है कि आजकल वीडियो गेम कंपनी से एक नया पॉलिसी आ गया है कि जो तुम उनके गेम्स परचेज कर रहे हो तुम एक्चुअल में उनको परचेज नहीं कर रहे हो, तुम उनकी एक कॉपी रेंट कर रहे हो बस, और वो चाहे तो इस कॉपी का एक्सेस तुमसे छीन भी सकते हैं। भाई क्या बात है यार, मतलब जिस चीज़ को खरीदने के लिए मैंने पैसे लगाए उस चीज़ को तुम इसे छीन रहे हो। जिस भी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा ना उसको पता होगा कितना कंज्यूमर अनफ्रेंडली पॉलिसी है ये। ऐसे प्रैक्टिस की वजह से भाई इन लोग का सेल ऊपर नहीं जाएगा, एकदम सीधे नीचे गिरेगा एंड मैं तो चाहता हूँ कि भाई इन लोग का नुकसान हो। तो आज की वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग को कौन से गेम्स भाई पायरेट करने चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड रियल क्विक। लाइफ ऑन द ओपन सीज। सबसे पहले उन गेम्स को भाई पायरेट करो जो कि किसी बदनाम कंपनी से है, जैसे कि एक्टिविजन, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स एंड यूबीसॉफ्ट। क्योंकि ये कंपनीज क्या करती है, एक तो पहले गेम्स महंगी निकालती है, उसके ऊपर से भाई गेम्स अच्छे से पॉलिश भी नहीं होते, उनको रिलीज़ कर देते हैं फुल प्राइस पे, या फिर भाई ये लोग से ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम लाइव सर्वर्स पे भाई चला के रखते हैं। भाई सर्वर्स का आंडू सांडू हो रखा है भाई, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। कॉस्मेटिक्स और बैटल पास तो भाई ज़रूरी है भाई लेना, वरना फिर तुम लोग भाई हैकर्स और चीटर्स से परेशान रहना। ये हर साल भाई कॉल ऑफ ड्यूटी का एक नया गेम लॉन्च कर देता है, और कभी कभी तो भाई डीएलसी साइज गेम को भी फुल गेम की प्राइस पे भाई लॉन्च कर देता है, बताओ भाई। और उनमें कोई इनोवेशन नहीं होता, सबका गेम प्ले एकदम सेम होता है, तो भाई मैं क्यों खरीदूँ भाई। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को फुर्सत नहीं है भाई, ऑनलाइन लाइव सर्विस मल्टीप्लेयर गेम से इनको भाई लूट बॉक्स बेचना है बस, और कुछ नहीं भाई। चाहे सर्वर्स कितने ही शिटी हो भाई, कितने ही चीटर्स और हैकर्स भाई घूम फिर रहे हो भाई, उनसे कोई मतलब नहीं है। चूतिया सा भाई इजी एंटी चीट लगा देंगे भाई जो काम करता भी नहीं ढंग से, लेकिन अच्छा एंटी चीट में क्यों इन्वेस्ट करना है भाई। इन्वेस्ट करना है तो भाई प्रॉफिट में इन्वेस्ट करो। यूबीसॉफ्ट जब भी कोई गेम लॉन्च करता है तो वो इतना बगी और अनऑप्टिमाइज होता है कि अगर बंदे ने एक बढ़िया सा पीसी में भी डाउनलोड किया है ना गेम, तो भी इतना लैग करेगा, इतना एफपीएस ड्रॉप होगा ना, इतना प्रॉब्लम होगा ना उस बंदे को, वो भी सर पकड़ के भाई परेशान हो जाएगा। इनके गेम से पैसा खर्च करने से अच्छा है भाई जब भी ये लोग कोई नया गेम लॉन्च करे तो भाई उस बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, जब तक कोई उसका क्रैक वर्जन लॉन्च नहीं कर देता उसको डाउनलोड करके खेलना, मज़ा नहीं आए तो अनइंस्टॉल कर देना। बताओ जितना का मैं पैसा उड़ा दे रहा हूँ उतना का मेरे को भाई क्वालिटी मिल नहीं रहा है। आई नो आई साउंड शिटी भाई, लेकिन अगर तुम लोग ये बोलोगे कि इनकी एम्प्लॉयज़ को पैसे कैसे मिलेंगे भाई, तो यस भाई ये कंपनीज प्रॉफिट सारा हड़प लेती है और भाई अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पे भी नहीं करती है, तो अब एक मैसेज पहुंचाना है तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। There be treasure. दूसरे नंबर पे आता है भाई पुराने गेम्स जिनको अब हम सैडली परचेज नहीं कर सकते हैं या किसी स्टोर से खरीद नहीं सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल यूज़ करूँ तो हम सबका प्यारा चहिता GTA ट्रायलॉजी की बात कर रहा हूँ, एंड मैं डेफिनेटिव एडिशन की तो बात नहीं कर रहा, मैं OG वर्जन की बात कर रहा हूँ जो हम सब ने बचपन में खेला है, शायद खेला है सब ने। ऐसे पुराने GTA के गेम्स नहीं भाई, पुराने और भी बहुत सारे गेम्स हैं जिनका मैं नाम ले नहीं सकता, लेकिन भाई तुम लोग जाके सर्च कर सकते हो उनके बारे में। ऑल्सो स्पेशल मेंशन टू साइलेंट हिल फ्रेंचाइजी, तुम उनके बहुत सारे गेम्स पायर करके खेलना। कोनामी को एक पैसा नहीं मिलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने इस फ्रेंचाइजी का मर्डर कर दिया, पूरा सीधा मर्डर ही कर दिया। और जो उनके अभी रिसेंट के साइलेंट हिल गेम्स है भाई बेकार भाई, उन पर खर्च मत करो भाई। जो पुराने गेम्स है भाई दे आर क्लासिक, मेरे को पता है 3 गेम्स सही है और बाकी के 3 गेम्स थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट तब भी यार ट्राई कर लेना। Jolly Roger. इसी के साथ भाई आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू साउंड प्रीचे, लेकिन इंडी गेम्स को पायरेट मत करना गाइस, कम ऑन यार। हम लोग को छोटी गेम कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए भाई, वो लोग कुछ नया ला रही है मार्केट में, कुछ नया इनोवेशन ला रही है जो कि AAA स्टूडियोज से हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको बस पैसे कमाने, ठीक है, उन लोग को हमें मिडिल फिंगर दिखाना है। एंड तुम लोग में से कोई पूछेगा नहीं मेरे से, लेकिन मैं तब भी बताना चाहता हूँ आई यूज स्टीम अनलॉक टू पायरेट वीडियो गेम्स, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। वैसे तो किसी को चाहिए नहीं, लेकिन तब भी कर दूंगा, ठीक है, फॉर्मेलिटी वास्ते, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को बाहर का बारिश एंजॉय करना है। बाय।